आवर यूट्यूब चैनल। तो अभी तक हम 3 लेक्चर इसके कर चुके हैं, बायोमोलिक्यूल्स के अमीनो एसिड का स्ट्रक्चर देखा हमने, आइसोलेक्ट्रिक पॉइंट, सिंथेसिस और रिएक्शन देख चुके हैं। आज अमीनो एसिड खत्म हो जाएगा, सीक्वेंस डिटरमिनेशन इन पेप्टाइड्स, आज लास्ट डे इस अमीनो एसिड का। इसके बाद हम स्टार्ट करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स में सेकेंड टॉपिक जो है कार्बोहाइड्रेट्स। ठीक है, आज देखो सीक्वेंस डिटरमिनेशन इन पेप्टाइड्स। सीक्वेंस डिटरमिनेशन, सबसे पहले हमें सीक्वेंस अगर ऐसा दे रखा है, जैसे कि ऐसा दे रखा है वैलिन ल्यूसीन, ठीक है, तो अगर ऐसे आपको दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब हमें सीक्वेंस क्या है, नोन है। सीक्वेंस इज नोन, सीक्वेंस इज नोन, हमें सीक्वेंस मालूम है। मान लीजिए अगर ऐसा दे रखा है, हमें ऐसा गिवन है डाटा, तो इसका मतलब सीक्वेंस हमें नॉन नहीं है, सीक्वेंस इज नॉट नॉन। ठीक है, आगे देखो, पेप्टाइड ना एन टर्मिनल टू सी टर्मिनल ऐसे होते हैं, लेफ्ट साइड एन टर्मिनल, राइट साइड सी टर्मिनल, लेफ्ट टू राइट यू लिखा जाता है, लेफ्ट टू राइट। जैसे कि मैं आपको लिखना सिखाऊं कैसे लिखते हैं, जैसे कि मैंने क्या ले लिया, NH2CH, NH2CHRCOOH, ठीक है, एक और ले लिया NH2, एक और अमीनो एसिड ले लिया CHR-COOH। अब इसमें से H2O निकाल दो आप, NH2CHRCONH CHR-COOH, तो हम इसे क्या बोलेंगे, पेप्टाइड। ठीक है, तो ऐसे फॉर्मेशन होती है पेप्टाइड्स की, क्लियर है, अमीनो एसिड से पेप्टाइड, पेप्टाइड से पॉलीपेप्टाइड, पॉलीपेप्टाइड से प्रोटीन। ठीक है, तो यहां तक तो हम कर चुके हैं, अब हम बात करते हैं एंड ग्रुप एनालिसिस की, एंड ग्रुप एनालिसिस मेथड। तो पहला मेथड कौन सा है, पहला है कार्बोक्सी पेप्टिडेज। तो इसका काम क्या है, इसका काम है पेप्टाइड बॉन्ड को कट करना। इसका काम क्या है कार्बोक्सी पेप्टिडेज, वैसे होता क्या है, मेटेलो एंजाइम होता है, क्या होता है, मेटेलो एंजाइम। कौन सा मेटल होता है इसके अंदर, जिंक मेटल प्रेजेंट होता है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज का काम क्या है, इट कट्स पेप्टाइड फ्रॉम सी टर्मिनल। और एक बात और, वन अमीनो एसिड एट वन टाइम, एक अमीनो एसिड को ही कट करेगा एक टाइम पे, वन अमीनो एसिड एट वन टाइम, ये ध्यान रखना है। कार्बोक्सी पेप्टिडेज का काम क्या है, कट करता है पेप्टाइड को सी टर्मिनल साइड से और एक अमीनो एसिड को ही कट करेगा एक टाइम पे। फॉर एन एग्जांपल, मैंने ले लिया आर्जिनिन, वैलिन, ल्यूसीन, एलानिन। ठीक है, तो देखो क्या करेगा, ये कट करेगा, कहां से करेगा, सी टर्मिनल कहां होती है, हमारे राइट साइड, तो ये कट कर देगा, कर दिया कट। अब बनेगा क्या, आर्जिनिन, वैलिन, ल्यूसीन प्लस एलानिन। ठीक है, तो इस तरह से हम एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, सेकेंड मेथड क्या है, सेकेंड मेथड है हाइड्रा जिनोलाइसिस। इसमें क्या होता है, जो हमारा पेप्टाइड था, जैसे कि NH2 CHR
CO NH CH R CO NH CH R double dash COOH. ये मैंने ना एक पेप्टाइड ले ली, पेप्टाइड चेन ले ली, ठीक है. हाइड्रोजिनोलाइसिस, हाइड्रोजन क्या होता है, हाइड्रोजन होता है ये NH2 NH2. इसकी हेल्प से हम एनालाइज करने वाले हैं. कैसे करेंगे, ये मैंने ले लिया, तो ये क्या करेगा, क्या करने वाला है, ये आपको भली भांति पता है क्या करेगा. ये क्या करेगा, ये करेगा यहां अटैक, ठीक है. इसके पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन देगा और ये यहां सेम, ये भी मैंने दो मोल ले लिए ना, ये भी क्या करेगा, ये यहां अटैक, ये यहां, ठीक है. अब क्या होगा, जब ये ओ नेगेटिव बनेगा तो वापिस भी आएगा, वापिस आएगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा या नहीं होगा, होगा. तो जैसे इसने यहां अटैक किया, यहां क्या बनेगा, ओ नेगेटिव बनेगा तो ये वापिस आएगा तो यहां से बॉन्ड ब्रेक होगा, ठीक है. तो मैं ऐसे ही दिखा देती हूँ, ये वापिस आया और ये यहां से बॉन्ड ब्रेक, ठीक है. सेम ये यहां पे अटैक करेगा, ये यहां जाएगा, क्या बनेगा, ओ नेगेटिव वापिस आएगा और यहां से रिंग, ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है. तो इस तरह से ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक होगा विद द हेल्प ऑफ हाइड्रोजन. तो बनेगा क्या, बनेगा ये CHRCONH NH2, यहां से तो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, प्लस NH2 CH CO NH NH2, यहां से भी बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा पेप्टाइड बॉन्ड, और यहां पे रहेगा NH2 CH R डैश, यहां पे R डैश, यहां पे डबल डैश COOH. यहां तक ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया आपको, ठीक है. अब देखो, अब हमारे पास तीन मिल चुके हैं, इसको मैं A मान लू, इसे B मान लू, इसे C मान लू, ठीक है. अब हम कैसे करेंगे, मैंने क्या लिया, सबसे पहले ये जान लो कि ये चीज क्या है. ये क्या है, ये कैसा ग्रुप है, NH NH2 कैसा ग्रुप है, बेसिक ग्रुप है. तो ये कैसा हुआ हमारा अमीनो एसिड, बेसिक, और ये भी कैसा है, बेसिक. लेकिन ये क्या है, ये बेसिक नहीं है, ठीक है. तो मैंने एक कॉलम कैटायन एक्सचेंज क्या लिया, एक कॉलम ली कैटायन एक्सचेंज, ठीक है. इसके अंदर एक स्टेशनरी फेस सिलिका है, सिलिका जो कैसा नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, कैसे नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, ठीक है. अब मैंने इन तीनों को इसमें ऐड कर दिया, ए बी सी, इन तीनों को इसमें ऐड कर दिया, किसमें, कॉलम कैटायन एक्सचेंज, ठीक है. तो इसमें मैंने ऐड कर दिया, तो क्या होगा, ये कैसा नेचर का है, एसिडिक. ए और बी कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के. तो सिलिका क्या करेगा, सिलिका ए और बी को क्या कर लेगा, बाइंड कर लेगा स्ट्रोंगली, ए एंड बी बाइंडली स्ट्रोंग, बाइंड स्ट्रोंगली किससे, विद सिलिका, ठीक है. अब जब मैं इसमें एल्यूएंट पास करूंगी तो सबसे पहले कौन सा मिलेगा मुझे, ए बी और सी में से कौन सा मिलने वाला है, कौन सेपरेट होगा फर्स्ट, हु विल सेपरेट फर्स्ट. तो देखो, ए और बी तो कैसे नेचर के हैं, बेसिक नेचर के, वो तो बाइंड हो चुके हैं स्ट्रॉन्गली सिलिका के साथ, वो तो कदापि नहीं निकलने वाले, ठीक है, वो तो सेपरेट नहीं होने वाले पहले, क्योंकि वो तो बाइंड हो चुके हैं. तो सबसे पहले हमें कौन सा मिलने वाला है, सी.
तो सी विल सेपरेट आउट फर्स्ट, सी विल सेपरेट आउट फर्स्ट। तो इस तरह से हमने एंड ग्रुप को एनालाइज कर लिया विद द हेल्प ऑफ हाइड्राजिनोलाइसिस। ठीक है, तो ऐसे करना है और कुछ नहीं है। पहले एक पेप्टाइड था, हाइड्रोजन की हेल्प से वो पेप्टाइड बॉन्ड को ब्रेक करेगा। इस तरह से हमें ये तीन मिलेंगे। हमने क्या किया, इसमें ऐड किया तीनों को, तो सिलिका ने बेसिक ग्रुप को बाइंड कर लिया क्योंकि उसका नेचर एसिडिक था, एसिडिक होने की वजह से बाइंड हो जाएंगे और जब हमने एलिमेंट पास करेंगे तो सी हमें सबसे पहले मिलेगा। ठीक है, तो नेक्स्ट आ जाओ। अब ये मेरे को लगता है आपको समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है हमारा थर्ड मेथड। थर्ड मेथड कौन सा है, रिडक्शन फॉलोड, रिडक्शन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस। रिडक्शन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलिसिस क्या होता है, वही पहले पेप्टाइड ले लो, पेप्टाइड चेन NH2CH R CO NH CH R डबल डैश COOH। ठीक है, यहां तक हमने एक पेप्टाइड चेन ले ली। रिडक्शन, मैं यहाँ पे रिडक्शन के लिए एक एजेंट ले रही हूँ, रिड्यूसिंग एजेंट, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। क्या ले रही हूँ, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इसका काम क्या, रिडक्शन का काम है, ये क्या करेगा, ये करेगा इसको रिड्यूस, COOH को रिड्यूस, इनको नहीं करेगा, इसको नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगी, इसके स्टीरिक हिंड्रेंस हो जाएगी, इस वजह से सिर्फ इस ग्रुप को ये क्या करने वाला है, रिड्यूस करने वाला है। तो बनेगा क्या, NH2CHR C double bond O NH CH R dash C double bond O NH CH R double dash CH2 OH। एसिड से अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा विद द हेल्प ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। नाउ अब हमने क्या करना है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस आपको पता है, एसिडिक हाइड्रोलिसिस में क्या होने वाला है, यू नो वेल, क्योंकि हमने एक बार पहले भी यूज किया हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस से क्या होगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड टूटेगा। क्या टूटेगा, ये पेप्टाइड टूटेगा, ये पेप्टाइड बॉन्ड, क्योंकि अमाइड का हाइड्रोलिसिस होता है ना, क्या बनता है, अमाइड के हाइड्रोलिसिस से एसिड बनता है। तो एसिडिक हाइड्रोलिसिस से ये अमाइड बॉन्ड टूटेगा, पेप्टाइड बॉन्ड, और बनेगा क्या, NH2CHRCO। क्या बनेगा यहां पे OH प्लस में NH2CHR डैश C डबल बॉन्ड OOH AK बनेगा प्लस प्लस, और क्या बनेगा, NH2CHR डबल डैश CH2 OH। अब ये जो बना मैं ऊपर लिख देती हूं, NH2CHR COOH प्लस, और क्या मिला है हमें, NH2CHR डैश COOH और हमें मिला है NH2CHR डबल डैश CH2 OH। ठीक है, अब फिर से वही क्या करना है, जरा मुझे आप बताओ, पहले मेरे सॉल्व करने से पहले आप बताओ मुझे कौन सा सबसे पहले मिलने वाला है। अगर मैं कॉलम के टाइम एक्सचेंज रेजिम में डालू तो कौन सा मुझे मिलेगा, मैं अगर इसको ए मानू, इसे बी मानू, इसे सी मानू, तो कौन सा सेपरेट आउट फर्स्ट, हु विल सेपरेट आउट फर्स्ट,
आप बताओ मेरे से पहले क्या होने वाला है। ये ए है, ये बी है, ये सी है, ठीक है। तो वही हमने यहाँ पे क्या है, सिलिका, जो नेचर किसका है इसका, एसिडिक नेचर है, ठीक है यहां तक, ठीक है। अब मुझे बताओ इनमें से एसिडिक कौन सा नेचर है, किसका नेचर है, इसका है तो ये एसिडिक नेचर हुआ, इसका है एसिडिक नेचर हुआ, इसका है नहीं है, इसका है नहीं है ना, तो इसका नेचर मैं मान लूंगी क्या है, बेसिक नेचर, ठीक है। तो ये कैसा नेचर होता है इसका, एसिडिक, इसका नेचर कैसा है, एसिडिक। तो इसके साथ कौन बाइंड होगा स्ट्रॉन्गली, हु विल बाइंड स्ट्रॉन्गली विद सिलिका, कौन सा बाइंड होगा, सी बाइंड होगा। अगर मैं इसमें ऐड करूं ए बी सी, तो सी तो इसके साथ बाइंड हो जाएगा सिलिका के साथ, ठीक है। तो जब मैं इसमें एलिमेंट पास करूंगी तो मुझे मिलेगा कौन सा, पहले ए और बी मिलेंगे, और जो सबसे आखिर में मिलेगा, सबसे लास्ट में जो मिलने वाला है मुझे, वो कौन सा होगा, सी मिलेगा हमें, सी विल सेपरेट आउट लास्ट, सी विल सेपरेट आउट लास्ट। इस तरह से हम एंड ग्रुप का एनालाइज करेंगे, है ना। तो इस तरह से हम कर सकते हैं ना, क्योंकि एसिडिक है, ये भी एसिडिक है, तो ये तो इसके साथ बाइंड होंगे नहीं सिलिका के साथ, तो इसलिए ये पहले निकल जाएंगे, और सी आएगा हमारा बिल्कुल लास्ट में, सी विल सेपरेट आउट लास्ट, क्लियर है। सबसे पहले रिडक्शन किया हमने लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की हेल्प से, उसके बाद एसिडिक हाइड्रोलाइसिस किया, पेप्टाइड बॉन्ड जो था वो ब्रेक हुआ और ये मिल गया हमें। उसके बाद हमने देखा सिलिका के साथ ये दोनों बाइंड नहीं करेंगे, बाइंड करेगा, ये बाइंड करेगा, इसकी वजह से ये हमें सबसे आखिर में मिलेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं सीक्वेंस डिटरमिनेशन ऑफ एंड टर्मिनल साइट। अब हम बात करेंगे किसकी, एंड टर्मिनल वाली साइट की, सीक्वेंस डिटरमिनेशन एंड टर्मिनल साइट, एंड टर्मिनल साइट, ठीक है। तो सबसे पहला मेथड है, सबसे पहला जो मेथड है वो है एडवांस डिग्रेडेशन, डिग्रेडेशन, एडवांस डिग्रेडेशन। तो इसमें जो रिएजेंट यूज होता है एडवांस में, वो कौन सा होता है, वो यूज होता है फिनाइल आइसोथायोसाइनेट, पीएच एन डबल बोन सी डबल बोन एस, पीएच को अगर ओपन करके लिखोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। ये रिएजेंट यूज होगा यहां पे, तो होगा क्या यहां पे, वही आप पेप्टाइड ले लो, पेप्टाइड चेन NH2 CH R C डबल बॉन्ड O NH CH R डैश C डबल बॉन्ड O NH CH R डबल डैश C O O H, ठीक है यहां तक। अब क्या होने वाला है, अब आपको पता है क्या होगा, क्या होगा बताओ, क्या होगा, क्या ये कहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा, करेगा और ये यहां जाएगा, ठीक है। तो पहला स्टेप बना दो फटाफट से, पीएच एन सी डबल बॉन्ड सी, और यहां पे आ गया एस पे नेगेटिव चार्ज, ठीक है यहां तक। उसके बाद इसके साथ कार्बन के साथ क्या अटैच होने वाला है, दिस नाइट्रोजन, तो ये नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन पे कैसा चार्ज, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। उसके बाद सेम बिल्कुल एज इट इज ये लिख दो, सी एच आर सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एन एच सी एच आर डबल डैश, एक सेकेंड, सी एच आर डबल डैश सी ओ ओ एच, ठीक है यहां तक, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, ये यहां जाए
ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ठीक है? तो बनेगा क्या, पीएच नाइट्रोजन में क्या आ जाएगा, ये प्रोटोन, सी डबल बॉन्ड एस एनएच सी एच आर सी डबल बॉन्ड ओ एनएच सी एच आर डैश सी डबल बॉन्ड ओ एनएच सी एच आर डबल डैश सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच, ठीक है यहां तक? अब देखो इसका अब क्या होगा, इसके पास लोन पेयर है, इसके पास लोन पेयर है, ये क्या करेगा, ये यहां अटैक करेगा, ये यहां अटैक करेगा और देखो एक रिंग बनाएगा, कितने मेंबर देंगे इसे, वन मानो, इसे टू, इसे थ्री, इसे फोर और इसे फाइव, फाइव मेंबर रिंग बनाएगा, ये यहां अटैक करेगा, ये ओ नेगेटिव बनेगा, फिर ये वापिस आएगा, आएगा या नहीं आएगा, आएगा ना, और ये यहां से रिंग ओ, ये जो बॉन्ड है ये क्या होगा, ब्रेक हो जाएगा, ये बॉन्ड ब्रेक होगा, ये नाइट्रोजन के लोन पे ये क्या करेंगे, कार्बोनिल के कार्बन पे अटैक करेंगे, पाई स्टार में इलेक्ट्रॉन्स को भेजेंगे और ये यहां जाएगा, फिर ओ नेगेटिव बनेगा, ओ नेगेटिव फिर वापिस आएगा और यहां से ये बॉन्ड क्या होगा, ब्रेक होगा, ठीक है? अब बनाना है हमने कैसे बनेगा, मैं ये रब कर देती हूं। अब हमने देखनी है क्या होने वाला है, देखो इसे नंबर वन दिया मैंने, फाइव मेंबर रिंग बनने वाली है, तो हमने देख लिया वन टू थ्री फोर फाइव, तो फाइव मेंबर रिंग बना दो पहले, तो फाइव मेंबर रिंग बना दी, ठीक है? पहले नंबर में लगा दो नाइट्रोजन, नाइट्रोजन लगा है, इसके साथ एक हाइड्रोजन भी लगा है, इसने अपने लोन पेयर दे दिया, इस पे पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ठीक है? सेकंड पोजीशन पे इसे नंबर वन माना, ये सेकंड, इस पे क्या लगा है, सी डबल बॉन्ड एस, सी डबल बॉन्ड एस, थर्ड पे एन एच, थर्ड पे एन एच, फोर्थ पोजीशन पे सी एच के ऊपर लगा है आर, ठीक है? अब आ जाओ फिफ्थ पोजीशन पे, जो लगा है ग्रुप वो कौन सा है, सी डबल बॉन्ड ओ, सी डबल बॉन्ड ओ, और नाइट्रोजन के साथ एक फिनाइल भी लगा है, नाइट्रोजन के साथ एक फिनाइल भी लगा है, ये हमारा हो गया यहां तक। अब ये जो निकल के गया इतना ग्रुप, अब उसे देखो NH क्या आएगा यहां पे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है, नाइट्रोजन लेके गया तो नेगेटिव, CH R डैश C डबल बॉन्ड O NH CH R डबल डैश C O O H, ठीक है? अब देखो अब क्या होगा, ये जो हाइड्रोजन है ये यहां चला जाएगा, ठीक है? ये गया, ये ले लेगा इसको NH2, ठीक है? अब मैं इसमें आपको क्या बताना चाहती हूं, जो इसकी एंड टर्मिनल साइट थी, एंड टर्मिनल साइट थी किसकी, जो हमारी पेप्टाइड चेन की थी, वो तो हमने क्या कर ली, ये तो हमारी आ गई अलग, हम इसको डिटेक्ट कर लेंगे, सेपरेट आउट हो जाएगी। सेम ऐसे जो बाकी की जो लेफ्ट है, जो पेप्टाइड चेन है, ये इसका भी जो सीक्वेंस है वो लॉस्ट नहीं होगा, सीक्वेंस जो है इसमें वो लॉस्ट नहीं होगा, सीक्वेंस इज नॉट लॉस्ट। इस तरह से हमने ये सीक्वेंस भी मेंटेन है यहां पे, मैं इस तरह से एक और फिनाइल आइसोसाइनेट लूं, तो फिर से एक एक करके हम एंड टर्मिनल साइट को डिटेक्ट करते रहेंगे, फिर एक और कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि इसमें सीक्वेंस तो लॉस्ट हुआ नहीं है, तो ये हमारा सबसे बेस्ट मेथड है किसको डिटरमाइन करने का, एंड टर्मिनल साइट को डिटरमाइन करने का। कौन सा मेथड, एडवांस डिग्रेडेशन। एक और मेथड है सैंगर्स मेथड, उसकी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस है, तो इसलिए हम इसको प्रेफर करते हैं, क्योंकि ना तो इसमें सीक्वेंस लॉस्ट होता है और हम वन बाय वन करके एंड टर्मिनल साइट को डिटरमाइन कर लेते हैं, ठीक है? तो ये इंपॉर्टेंट भी है हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, तो ये आप जरूर अच्छे से करके जाना। नेक्स्ट देखो सैंगर्स मेथड, सैंगर्स मेथड, इसमें
सा होता है, इसमें जो रिएजेंट होता है वो कौन सा होता है, डीएनएफबी, डीएनएफबी, मेटा डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन बना देते हैं। ये फ्लोरोबेंजीन, ठीक है, मेटा डाइनाइट्रो फ्लोरोबेंजीन, तो ये है हमारा रिएजेंट सेंगर्स मेथड के अंदर। इसकी हेल्प से हम एंड टर्मिनल साइट को डिटरमाइन करेंगे, ठीक है, और जो कि इसकी बहुत ज्यादा डिसएडवांटेजेस हैं, लेकिन हमें आना चाहिए क्या होने वाला है इसके अंदर। तो वही पेप्टाइड ले लो, NH2CHRCO NH CHR डैश COOH COOH। तो अब हम क्या करेंगे, आपको पता है क्या होने वाला है, ये यहाँ अटैक करेगा, तो यहाँ पे जो मैकेनिज्म फॉलो होगा वो कौन सा होगा बताओ जरा, इतने में आगे रिएक्शन करती हूँ, कौन सा इसमें मैकेनिज्म फॉलो होने वाला है, इसमें होने वाला है एडिशन एलिमिनेशन, एडिशन एलिमिनेशन, पहले तो ये ऐड होगा उसके बाद एलिमिनेशन होगा, एडिशन, तो ये जब यहां अटैक करेगा ये बॉन्ड यहां जाएगा तो क्या आएगा, यहां पे आएगा नेगेटिव चार्ज, और क्या अटैच है यहां, NO2 ग्रुप, यहां पे क्या है फ्लोरीन, और क्या अटैच हुआ यहां पे क्या है फ्लोरीन, और क्या अटैच हुआ यहां NH2, और क्या आएगा इस पे पॉजिटिव चार्ज, आगे बाकी सेम रिंग ऐसे एज इट इज रखो, इसे CONH CHR डैश C डबल बॉन्ड NH CHR डबल डैश C डबल बॉन्ड OOH, ठीक है। अब आगे क्या होगा, एडिशन हमने कर दिया, क्या एलिमिनेट होगा, किसकी एलिमिनेशन होगी, यहां पे क्या निकल के जाएगा, यहां पे जो निकल के जाएगा वो ये यहां और ये बाहर, ये निकाल दो बाहर, तो क्या निकल के गया यहां पे निकलेगा HF, क्या निकलेगा HF, इसी स्टेप में बना रही हूं मैं, समझ आ गया होगा, ये यहां और ये फ्लोरीन बाहर निकल जाएगा, तो क्या बनेगा, इसे यही हटा रही हूं मैं, पॉजिटिव निकल जाएगा, F निकल जाएगा, यहां पे निकल के जाएगा तो पॉजिटिव आएगा, पॉजिटिव नेगेटिव मिलके क्या बनाएंगे, यहां से फिर से बॉन्ड बन जाएगा, क्या बनेगा, ये बॉन्ड बन जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, HF निकल चुका है, एलिमिनेशन किसका हुआ है, HF का, अब क्या करेंगे, अब हम करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस, क्या करेंगे इसका हाइड्रोलाइसिस करेंगे, आपको अभी बताया था मैंने एसिडिक हाइड्रोलाइसिस की थी, रिडक्शन फॉलोड बाय एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या हुआ था उसके अंदर, उसमें क्या हुआ था, ये पेप्टाइड बॉन्ड ब्रेक हुआ था ना, और क्या बन रहा था यहाँ पे, ये बॉन्ड ब्रेक होगा तो क्या बनेगा ये यहां, ये ऐसे बना रही हूं, NH CHR COOH, हाइड्रोलिसिस के बाद COOH, यहां पे NO2 है, यहां पे भी NO2 है, एक ये बनेगा प्लस में NH2 CHR डैश COOH प्लस NH2 CHR डबल डैश COOH, ठीक है। अब देखो इसमें पता क्या हुआ है, आपको लग रहा है कि एंड टर्मिनल साइट तो हमने डिटरमाइन कर ली, ऑब्वियसली हमने कर चुके हैं, एंड टर्मिनल साइट हम डिटरमाइन कर चुके हैं डीएनएफबी की हेल्प से, ये एंड टर्मिनल साइट, ठीक है, लेकिन देखो इसकी क्या डिसएडवांटेजेस हैं, जो बाकी सीक्वेंस थी वो लॉस्ट हो चुकी है,
वो क्या हो चुकी है, लॉस्ट हो चुकी है, जबकि एडवांस में ऐसा नहीं था, वहां पे लॉस्ट नहीं हुई थी, ठीक है, इसके अंदर लॉस्ट हो चुकी है। और क्या है इसके अंदर, सीक्वेंस लॉस्ट होगी, प्लस जो हमारा वो था पेप्टाइड चेन थी, जैसे कि मैं दोबारा लिख रही हूं NH2CH4COOH CH R CH R C double bond NH CH R double COOH, ऐसी थी ना। हमारे पास क्या हुआ, इसने यहां अटैक किया था, कहां अटैक किया था, फ्लोरीन, यहां पे फ्लोरीन था ना, यहां अटैक किया था। लेकिन आप ये सोचो जरा, मान लो इसके साइड चेन पे ये जो R डैश था मेरा, यहाँ पे लाइजीन लगा है, ये लाइजीन ग्रुप है। लाइजीन में क्या होता है, लाइजीन में अगर आपको स्ट्रक्चर थोड़ा याद हो, क्या होते थे वहां पे, चार तो CH2 थे, उसके बाद एक NH2 ग्रुप लगा होता था, यही था ना। मैं दोबारा से आपको याद करूँ, ऐसे COH लिखते थे, यहाँ H लिखते थे, यहाँ NH2 लिखते थे, ठीक है, फिर यहाँ पे चार CH2, फिर उसके बाद NH2, ये क्या था, लाइजीन था। मान लो ये है, अगर यहाँ पे एक साइड चेन, एक जो अमीनो एसिड है वो क्या है, लाइजीन है, तो ये भी तो इंटरफेयर करेगा, ये भी तो टैग कर सकता है वहां पे, ये भी तो टैग कर सकता है ना, तो इसका मतलब ये है, तो ये भी इंटरफेयर करेगा, तो इंटरफेयर करेगा तो एन टर्मिनल साइड तो ये है और ये हमें मिल जाएगी, ठीक है, तो ये इसकी क्या होगी, डिसएडवांटेज, ठीक है। तो सेंगर्स मेथड के काफी डिसएडवांटेजेस होगी, अगर कोई बेसिक अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो वो पक्का इंटरफेयर करने वाला है, या फिर मान लो अगर कोई ऑक्सीजन वाला अमीनो एसिड प्रेजेंट है तो वो भी क्या करेगा, इंटरफेयर करेगा। सीक्वेंस लॉस्ट हो जाती है, सीक्वेंस क्या हो जाती है, इसमें लॉस्ट हो जाती है। अब देखो आगे, हाइड्रोलिसिस, सीक्वेंस डिटरमिनेशन हम कंप्लीट कर चुके हैं, सीक्वेंस डिटरमिनेशन इन पेप्टाइड्स हम कंप्लीट कर चुके हैं। एक चीज और सच में, एक था वेंस लाइक मेथड, वेंस लाइक मेथड, वेंस लाइक मेथड, ये क्या है, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस, जैसे कि मेरे पास कोई अमीनो एसिड है NH2CHRCOOH, ठीक है, ये कोई अमीनो एसिड है, क्या होगा, HNO2, ये क्या करेगा, इसको N2 पॉजिटिव में कन्वर्ट कर देगा, ये तो सबको पता है, COH N2 पॉजिटिव, मैं क्या करूंगी, इसमें वाटर ऐड करूंगी, क्या होगा, ये बाहर निकल जाएगा, क्या बनेगा, CHRCOOH और यहां पे आ जाएगा OH, और क्या निकल के गया, N2 निकल के गई। तो ये जो N2 का इवोल्यूशन है, ये जो N2 का इवोल्यूशन है, ये हमें एस्टिमेशन देगा किसका, अमीनो एसिड की क्वांटिटी का, ठीक है। N2 का इवोल्यूशन हमें क्या देगा, एस्टिमेशन देगा, ये कौन सा मेथड है, वेंस लाइक मेथड। एक और है निन हाइड्रिन टेस्ट, निन हाइड्रिन टेस्ट, ये क्या है, ये निन हाइड्रिन टेस्ट हम बोल सकते हैं क्वालिटेटिव एनालिसिस, क्या है ये, क्वालिटेटिव एनालिसिस। निन हाइड्रिन टेस्ट में अमीनो एसिड जो है निन हाइड्रिन के साथ पर्पल कलर का पॉन्ड बनाते हैं, कैसा बनाते हैं, पर्पल कलर कंपाउंड। इस पे क्वेश्चन भी आया था और बिल्कुल आसान था, सबसे पहले ना एक निन हाइड्रिन देख लो, ये होता है निन हाइड्रिन, ये होता है निन हाइड्रिन, ठीक है, ये क्या है, निन हाइड्रिन है। मैंने क्या किया, एसिडिक हाइड्रोलाइसिस, क्या बनेगा, क्या बनेगा, इस कार्बन के ऊपर दो OH आ जाएंगे,
जो कि आप कहोगे कि मैम बहुत ज्यादा वेरी अनस्टेबल है, लेकिन यहाँ पे बहुत ज्यादा स्टेबल है ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ठीक है, तो ये आपने ध्यान रखना है इसका। एक और चीज, अब हमने जो ध्यान रखी है नीनहाइडिन टेस्ट पे जो क्वेश्चन आया था वो क्या था, अब ना जो हमारा अमाइनो एसिड होते हैं, जो अमाइनो एसिड्स होते हैं वो दो मॉलिक्यूल्स यूज करते हैं नीनहाइडिन के। कितने मॉलिक्यूल्स? टू मॉलिक्यूल्स रिक्वायर्ड होते हैं, टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नीनहाइडिन रिक्वायर्ड फॉर व्हाट? अमीनो एसिड। जैसे कि मैं एक रिएक्शन ये लिख रही हूँ, NH2CHRCOOH, ठीक है, कोई अमाइनो एसिड है मेरे पास, प्लस में नीनहाइड्रिन, कितने मॉलिक्यूल? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नीनहाइड्रिन। ठीक है, तो ये क्या बनेगा? ठीक है, तो ये था, तो आपने ये ध्यान रखना है क्या बनता है, मैं आपको बताती हूँ। हमारे पास चार ऑप्शन थे और एक ही चीज चेक करनी थी, क्या चेक करनी थी देखो, कंप्लीट डीलोकलाइजेशन, जहां पर होगी वो हमारा करेक्ट आंसर था, वो हमारा करेक्ट आंसर था। कैसे? ये यहां कंप्लीट कॉन्जुगेशन है, ठीक है, तो यही हमारा प्रोडक्ट है। वैसे हमारे पास तीन ऑप्शन जो वो थे प्रेजेंट, उसमें कंप्लीट कॉन्जुगेशन नहीं हो रही थी इसलिए वो रॉन्ग थे, सिर्फ एक यही आंसर था जो करेक्ट था जहां पे कंप्लीट कॉन्जुगेशन आपको दिखाई दे। तो ये आप देख लो ऐसा बनेगा, और कितने मॉलिक्यूल यूज करते हैं? टू मॉलिक्यूल्स ऑफ नीनहाइड्रिन, ठीक है, एक RCHO ग्रुप निकल जाता है। ठीक है, अब आगे देखो, बस एक लास्ट टॉपिक रह गया इसका अमाइनो एसिड का, अमाइनो एसिड कंप्लीट। हाइड्रोलाइसिस में हमने कंप्लीट हाइड्रोलाइसिस देखी, ठीक है, अब ना हम देखेंगे एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। कौन सी? एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस जो होती है एक्सोपेप्टिडेज एंडोपेप्टिडेज, ठीक है, एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस, ये जो एंजाइम की हेल्प से हाइड्रोलाइसिस होती है ना, ये ना शेप की हेल्प से हाइड्रोलाइसिस करते हैं, मतलब उसकी शेप को डिटेक्ट करके, ठीक है, उसकी शेप को डिटेक्ट करके ये क्या करते हैं? हाइड्रोलाइसिस करते हैं। एक्सोपेप्टिडेज और एंडोपेप्टिडेज, एक्सोपेप्टिडेज में आता है हमारा सबसे फर्स्ट जो था कार्बोक्सी पेप्टिडेज का क्या काम है? ये कट करता था सी टर्मिनल साइट से, ठीक है, ये क्या करता था? सी टर्मिनल साइट से कट करता था। लेकिन ये जो है एक्सोपेप्टिडेज तो कट करते हैं टर्मिनल साइट से, लेकिन ये टर्मिनल साइट से नहीं करते हैं, ये टर्मिनल साइट से कट नहीं करते हैं। और जैसे कि एंडोपेप्टिडेज का एग्जांपल देखो, एक ट्रिप्सिन क्या करते हैं? इट कट्स द पेप्टाइड फ्रॉम सी टर्मिनल
फ्रॉम सी टर्मिनल बेसिक अमीनो एसिड्स, बेसिक अमीनो एसिड। जैसे कि मेरे पास ना ये दे रखा है, तो मैंने अभी बताया ये क्या करेगा, कट करेगा, सी टर्मिनल साइड से कट करेगा, लेकिन किसको किसको करने वाला है, बेसिक अमीनो एसिड को। तो इसमें से बेसिक कौन सा है, कौन सा है, आर्जिनिन है, तो इसको करेगा कट किस साइड से, सी टर्मिनल साइड से, क्या बनेगा, एलानिन और आर्जिनिन, ग्लाइसिन प्लस में ग्लाइसिन और ल्यूसिन, ठीक है। तो इसका काम है ट्रिप्सिन का, ये एक होता है क्रीमो ट्रिप्सिन, एक क्या होता है कीमो ट्रिप्सिन, ट्रिप्सिन इसका क्या काम होता है, ये भी कट करता है, लेकिन कहां से, एरोमेटिक अमीनो एसिड, इट कट आल्सो फ्रॉम द सी टर्मिनल साइड, बट किसको, एरोमेटिक अमीनो एसिड्स को, किसको करेगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड, अमीनो एसिड। फॉर एन एग्जांपल मैंने क्या ले लिया, मैंने लिया ठीक है ग्लाइसिन, तो ये क्या करेगा, एरोमेटिक अमीनो एसिड को कट करेगा, कौन सा है यहां पे एरोमेटिक, फिनाइल एलानिन, यहां से कट कर देगा, क्या बनाएगा, ग्लाइसिन एलानिन फिनाइल एलानिन प्लस एलानिन, ठीक है। ये समझ आया होगा आपको कीमोट्रिप्सिन और ट्रिप्सिन का खेल, ठीक है। ये हो गया हमारा एंजाइमेटिक हाइड्रोलाइसिस। एक और देखो लास्ट, समझ आ रहा होगा आई थिंक, कोई भी दिक्कत नहीं आ रही होगी, अभी तक मुश्किल कुछ था नहीं। नेक्स्ट क्लास में हम कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। एक और है मेरे पास आर्जिनिन, प्रोलीन, वैलिन, वैलिन, ल्यूसिन, ठीक है। मैंने इसमें ट्रिप्सिन डाल दिया, जल्दी से आंसर बताओ क्या होगा, सेम एक और क्वेश्चन लिख रही हूँ, इतने इतने आंसर बताओ, ल्यूसिन, वैलिन, प्रोलीन, आर्जिनिन, वैलिन, यही सेम ट्रिप्सिन डाल दिया। वैलिन, आर्जिनिन, वैलिन, प्रोलिन, ट्रिप्सिन, सभी के आंसर बता दो फटाफट से, क्या होगा जल्दी से बता दो क्या होने वाला है। फर्स्ट वाले में कोई क्लीवेज नहीं होगी, नो क्लीवेज फ्रॉम एनी साइड, कोई भी क्लीवेज नहीं होगी, नो क्लीवेज, ठीक है। इस केस में क्या होगा, ट्रिप्सिन का काम क्या है, ट्रिप्सिन का काम है बेसिक अमीनो एसिड को सी टर्मिनल साइड से कट करना, क्लीव करना, तो यहां पे क्लीवेज होगी, यहां पे भी होगी, यहां पे जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा ल्यूसिन, वैलिन, प्रोलीन, आर्जिनिन प्लस वैलिन, ठीक है। नेक्स्ट में ल्यूसिन, वैलिन, आर्जिनिन प्लस वैलिन और प्रोलिन, ठीक है। अब यहां पे कोई क्लीवेज क्यों नहीं हुई, इसका आंसर आप मुझे बताओगे, अगर नहीं आता होगा तो मैं बता दूंगी नेक्स्ट क्लास में, और कार्बोहाइड्रेट स्टार्ट करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा आई होप आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू।